तो ये कुछ लैलापुर करके टाउन है असम का, ये देख सकते हो। यहाँ से 15 किलोमीटर। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो जी 6:30 बजे उठ के पैकिंग वैकिंग करके तो 7 बज चुके हैं, निकल गया हूँ भाई साहब। यहाँ तो 4 बजे सनराइज़ हो जाता है, 3:30-4 बजे, तो इतनी तेज़ धूप हो गई, अभी सिर्फ 7 बजे हैं। तो थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ पर, उसके बाद फिर थोड़ी उतराई आएगी, चलते हैं और फिर चाय वाय पीते हैं यार। वहाँ से निकलने के बाद काफ़ी चढ़ाई थी, तो भैया 2 घंटे मस्त सो गया। अब टाइम हो चुके हैं 12:30, 1 तो आ गया हूँ दुकान में यहाँ पर खाना वाना खाने के लिए। तो सुबेरे चीटी ने कुछ काट लिया था, मेरे यहाँ थोड़ा इन्फेक्शन हो गया, उस वजह से इतना शूट नहीं किया मैंने, तो अभी थोड़ा ठीक हो गया, दवाई ववाई ली, तो यहाँ पे आ गया हूँ खाने के लिए। ये दे दो पुलाव, पुलाव प्लेट खत्म खत्म। तो लंच करने आया हूँ, देखो क्या मिलता है। पुलाव है जी, लंच में आ गया अपना ये राइस पुलाव। गर्मा गर्म है भाई साहब, बढ़िया, बहुत गर्मी भाई, बुरी हाल हो गई। यहाँ पे सिस्टम है कि आप खाने के साथ अंडा खा सकते हो अलग से, बॉयल अंडा अलग से। मैंने भी ले लिया, भाई लोग खा रहे थे तो सोचा मैं भी खाता हूँ, कैसे लगते हैं, बढ़िया लग रहा है। चलो जी अपना लंच वंच हो गया, मैं जैसे जूस पीते हैं और निकलते हैं। चुके हैं 3:30 और उतराई का जितना उतरना था उतर लिया, अब फिर चढ़ाई शुरू हो गई है। तो आज ऐसे भी शूट मैंने ज़्यादा किया नहीं है, क्योंकि यार ये फेस में इन्फेक्शन हो गया, उस वजह से सॉइलिंग हो गई है पूरे लिप्स वगैरह में, तो दर्द हो रहा था, इससे ज़्यादा शूट किया नहीं मैंने। बाकी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं यार, सुबह से लेकिन अभी तक सिर्फ 25-30 किलोमीटर चल पाए हूँ, ज़्यादा चला नहीं हूँ। बाकी ये बगीचे वगैरह सुपारी केले वेले लगे हुए हैं बहुत ज़बरदस्त। तो जी जैसी चढ़ाई चढ़ रहा था तो भैया एक भैया मिल गया मेरे को, क्या नाम भैया आपका? नूना है। क्या? नूना। तो नूना भैया मिल गया, इनकी अपनी टाटा मोबाइल है, तो ये लोग जा रहे हैं सिलचर, तो भाई उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी है, तो देखता हूँ 20-30 किलोमीटर जाऊँगा, उसके बाद ये सिलचर जाएंगे, मुझे मणिपुर जाना है। तो ये भाई लोग साथ में ही हैं, तो आप भी इनके साथ में ही है क्या? ठीक है ठीक है, चलो। तो ये भाई एक पीछे है, बाकी ये लोग आगे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जी फाइनली मैं दोबारा असम में एंटर कर चुका हूँ। तो ये कुछ लैलापुर करके टाउन है असम का, ये देख सकते हो। यहाँ से 15 किलोमीटर और मुझे जाना है, फिर ये लोग जाएंगे सिलचर, मैं जाऊँगा दूसरी साइड मणिपुर की साइड। उतर चुका हूँ यहाँ पे असम का काबूगंज, तो ये भैया लोग जा रहे हैं सिलचर, तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से मणिपुर के लिए, इधर से है। ठीक है भाई, चलते हैं, बाय बाय। मैं काबूगंज मार्केट में, तो भाई कुछ डिनर विनर कर लेते हैं अभी, क्योंकि आगे फिर और 10 किलोमीटर के बाद पहाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी मणिपुर की, तो वहाँ कुछ अच्छा मिलेगा खाने को? नहीं मिलेगा, और महंगा ही होगा, तो देखते हैं यहाँ पर कुछ अच्छा मिलता है तो खाते हैं और फिर निकलते हैं। ये तो बाजार है ही, ये पूरा जबरदस्त। चलो डिनर करने के लिए आ गया मैं होटल में, तो ये ले लिया पुलाव चावल,
जो वांटीली खा रहा हूँ 2-3 दिन से। ऐसा है कुछ ही, क्योंकि अंधेरा होने वाला थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में अंधेरा हो जाएगा, फिर बाद में मिले ना मिले तो सच्चा ले लो। जैसे ही थोड़ा आगे निकला वहाँ से नाश्ता करके, तो भाई अंधेरा हो गया था, तो अंधेरा वो जैसे हुआ तो रुकने की कहीं जगह मिल नहीं रही थी, एक पेट्रोल पंप पता क्या, वो रुकने को दिया नहीं। थोड़ा आगे आया तो एक मदरसा था, तो वहाँ पे मैंने मास्टर जी को और मौलवी जी को पूछ के अपना कैंपिंग लगा लिया यहाँ पर, ऐसा कुछ है। तो चलो जी, मास्टर जी से थोड़ा बात करते हैं, मौलवी जी से। और ये सारे बच्चे लोग हैं तो जो कि अभी नमाज वगैरह पढ़ के, ये अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम जाकिर हाफिज़, जाकिर हुसैन चौधरी। अच्छा जी, तो आप यहाँ पे टीचर हैं ना, जैसे आप बता रहे थे मास्टर, तो आप कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? 21-22 साल हो गए। 21-22 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो आपका नाम सर? नाम हुसैन लश्कर। अच्छा, तो ये बच्चों को आप दोनों मिल के पढ़ाते हैं, आप भी और आप भी? और है। अच्छा अच्छा, और टीचर भी हैं, ठीक है ठीक है। तो बच्चे लोग, तुम लोग क्या क्या पढ़ते हो यहाँ पर? ये तो यहाँ बांग्ला भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ते हैं। अच्छा, और सोशल साइंस भी पढ़ते हैं, और कुरान भी पढ़ते हैं। कुरान भी पढ़ते हैं, मतलब सब पढ़ाते हो आप? सब पढ़ाते। तो ये देख लो भाई कितने सारे बच्चे हैं, ये तो कम से कम अभी इस टाइम 30 से 35 होंगे ये बच्चे लोग। अभी तो 35 है, मतलब फर्स्ट मंथ 55। अच्छा 55 है, ठीक है ठीक है। तो मतलब तुम लोग का घर यहीं पे, मतलब यहीं पे रहते हो तुम लोग सब? सब यहीं पे रहते हैं। अच्छा, घर यानी वो दूर दूर है। ठीक है, तो बात ऐसी है जी, मैंने मौलवी साहब से पूछ के यहाँ पे रुकने की जगह मांगी, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, सिर्फ यही बोला कि क्या करते हो। मैं बोला मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, तो उन्होंने बस कुछ नहीं पूछा, कौन है तुम, क्या है, ठीक है। तो नहीं तो आपको पता है बहुत से लोग, जैसे कि आप लोगों ने बताया है, मतलब बहुत से लोग सोचते हैं ना कि मुस्लिम लोग हिंदू से नफरत करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं भाई, हिंदुस्तान में है तो सब भाई भाई है, क्यों सर? हाँ जी, तो ऐसा कुछ है जी, तो ये मोहब्बत की दुकान है। हाँ, तो ये मोहब्बत की दुकान है भाई। तो आप जो भी, जितने भी हमारे हिंदू भाई है, तो ये कभी मत सोचो कि यार मुस्लिम लोग हमसे नफरत करते हैं, कुछ नहीं करते। मैंने सिर्फ एक बार पूछा, ठीक है, तो उन्होंने मुझे रुकने की जगह दे दी अपना यहाँ पे। तो बाकी ऐसा कुछ है, बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, जो भी है सारा कुछ है। तो भाई अपना जो भी है, जो तुम्हारे दिल में या दिमाग में गलतफहमी है, उसको निकालो। तो भाई हिंदू हो मुस्लिम, सारे अपने भाई भाई हैं। तो ऐसा कुछ था आज का। तो बाकी ये बच्चों लोगों से आपको सबको दिखा दिया, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी यहाँ पे रुकेंगे तो ठीक है। बच्चों लोग बाय बाय कर दो, बाय बाय, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है।